उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग नसीम जैदी ने आज राजनीतिक दलों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। नसीम जैदी ने कहा कि राज्य में फ्री फेयर इलेक्शन तभी संभव होंगे जब पुलिस का गलत इस्तेमाल ना हो। चुनाव आयोग पुलिस पर पूरी तरीके से नजर रखेगा। चुनाव आयोग ने थानों की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंसी हथियारों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने प्रशासन को असामाजिक तत्व की धरपकड़ शुरू करने और संवेदनशील इलाकों की अभी से ही पहचान करने के साथ साथ मतदान स्थल पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अधिकारियों को 70-75% पोलिंग का टारगेट दिया गया है। लोगों को वोट देने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ने अपने सभी अधिकारियों से ये निर्देश दिए हैं कि वो प्रदेश में कम से कम 70-75% पोलिंग का गोल रखें और हमें हमारी इलेक्शन मशीनरी ने आश्वस्त भी किया है कि वो बहुत इफेक्टिव वोटर एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में ये वोटिंग परसेंटेज को काफी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो वेपन्स हैं हमारे लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उनके जमा कराने के बारे में निष्क्रियता बढ़ती जाती है। चुनाव आयोग ने जिला मशीनरी को कहा है कि वो अपनी जिला स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अधिक प्रतिशत में इन वेपन्स को जमा कराएंगे, क्योंकि हमने कुछ जिलों में देखा कि 5% भी वेपन्स जमा नहीं है। इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य के प्रशासन और पुलिस मुखिया से कहा है कि वो प्रदेश में प्रिवेंटिव एक्शंस पर कार्रवाई प्रारंभ करें, ट्रैफिक के नियमों का रोड के ऊपर एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करें और जो हमारे वारंट्स पेंडिंग हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। हाल ही में पार्टी से निकाले गए युवा नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने उनके पक्ष में नारे लगाए हैं, किसी के विरोध में नहीं। उन्होंने कहा कि सीनियर नेता मानते हैं कि वो खुद भी ऐसा मानते हैं इनकी पार्टी में वापसी हो। पार्टी से निकाले गए युवा समाजवादी हैं और पार्टी में उनकी वापसी होनी चाहिए। बता दें कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव ने कुछ युवा नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक दी है उन पर अनुभव बहुत है और मैं समझता हूं कि नौजवानों ने अगर हमारे पक्ष में नारे तो लगाए, किसी खिलाफ नारे नहीं लगाए। जो अनुभव वाले नेता हैं मैं समझता हूं पार्टी के हित में कुछ न कुछ विचार करेंगे और जितने भी समाजवादी साथी हैं जो आंदोलन और संघर्ष के साथी हैं उन्हें वापस पार्टी में लिया जाए।